कोई और हॉर्न बज रहा होगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आयरा अभी पी गई है और फिलहाल मैं इधर धोने लगी बर्तन, क्योंकि अभी कभी सोया हुआ और मैं आपका किचन का काम स्टार्ट करूँ। बस काफ़ी दिनों के बाद मेरी ये वाली वीडियो आ गई, तो करते हैं अपना काम स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इंट्रो स्टार्ट नहीं किया था मैंने, कहा चलो स्टार्ट करते, और कभी सोया हुआ तो सोचा कि सारा काम फटाफट से कर ले, नहीं तो कभी रुक गया तो काफ़ी आपको पता ही है फिर वो करने नहीं देता। आजकल कभी बहुत शरारती हो गया जिस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो उसको पता लगता है कि कैमरा ऑन है तो वो कैमरा पकड़ने लगता है और मेरे को कुछ शूट नहीं करने देता, तो बहुत मुश्किल से उसके सामने शूट होता है, नहीं तो वो तो अब तो ट्राईपॉड वगैरह सब उठा के फेंक देता है। तो इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही, पर कोशिश पूरी रहती है कि थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करूं। तो चलो गाइस करते हैं काम, नहीं तो वो उठ जाएगा। आजकल ना मेरे ड्राइंग रूम में काफ़ी गंद पड़ने लग गया है, क्योंकि कबीर अंदर सोया होता है और बीच वाले कमरे में कोई बैठता नहीं है, सब यहीं आके बैठ जाते हैं, तो काफ़ी इधर ना डस्टिंग वगैरह बहुत करने वाली हो जाती है। सारे कपड़े उतार के, जैसे आयरा की कैप्स वगैरह भी यहीं पड़ी होती हैं, आती है यहाँ फेंक के चली जाती है। और वैसे भी चलो कम्फर्टेबल रहता है, एक शॉल और एक कैप मैं हमेशा से सोफे के पास रखती हूँ, ताकि जाते हुए यहीं से जाना होता है और जाते हुए फटाफट से मतलब उठाओ चलो बस चल दो, और काफ़ी डस्टिंग हो जाती है फिर इसी वजह से मतलब करने वाली। और वैसे भी कभी रुट जाता तो आपको पता ही है। तो गाइस देख लो 3:30 हो रहे हैं और आयरा खा रही है रोटी और कबीर अभी सोया हुआ है, तो फटाफट से उठाते हैं और रेडी करते हैं। तो गाइस आई एम रेडी ट्यूशन जाने के लिए और ये इसका अभी तक लंच ख़त्म नहीं हुआ देख लो, और ये फिर कहती है कि मम्मा लेट करा देती हैं, देख लो मैम आराम से बैठ के रोटी खाती है, इसको कोई टेंशन ही नहीं। कबीर को उठाते हैं और चलते हैं ट्यूशन। तो गाइस घर आ गए हैं और अभी बज गया 4:30। हम लोग थोड़ी थोड़ी गपिश पे मार के आए बाहर थे और अभी फ़िलहाल मैं कबीर को खिला रही हूँ रोटी, क्योंकि मैंने उसको उठाया और सीधा ले गई थी आयरा को छोड़ने के लिए, तो अभी उसको खिला देते हैं कुछ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली गाइस बज गए 6:20 और हम आयरा को ट्यूशन से ले आए हैं और थोड़ी सी अब आयरा के एग्ज़ाम्स हैं और मतलब खाना बनाऊं और इसको पढ़ाऊं भी मैं थोड़ा, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11 बज गए एग्जैक्ट और हम सड़कों पे डोल रहे हैं दूध के लिए। और आज अरविंद लेट आए जिस वजह से सारा गड़बड़ हो गया, ये लेट आए 10 बजे तो आए हैं। तो देखो कहाँ से दूध मिलता है। तो गाइस फाइनली एक शॉप खुली हुई है, अब पता नहीं यहाँ पे दूध मिलता है कि नहीं मिलता। और कबीर का बैंड बज रहा है क्योंकि पापा चले गए हैं, ये देखो। हैगा दूध, हैगा दूध। अरविंद आए डिमांड कर रहे हैं दूध, वैसे तो था घर में, ऐसी बात नहीं है कबीर।
क्या था कि आए तो डिमांड करे कि चाय पीनी है, इसलिए दूध नहीं है, चाय के लिए अवेलेबल नहीं है, कबीर के लिए तो है। तो फिलहाल आज मेरी व्लॉगिंग भी नहीं हो पाई बिकॉज आयरा को पढ़ा रही थी आज मैं, ये पढ़ती नहीं है गाइस, तो कभी कभी इसको पढ़ाना। गाइस मम्मा गाइस आरिना इतनी बुरी तरह आई हुई है अभी भी मैंने मेरी कल, तो मैंने आपको बता नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं था, तो आज है तो मैं बल बता ही नहीं पाई, इतनी तकली लड़ आई हुई है। और नहीं ब्रेड ले लो बस, मिल गया दूध, हां ला मूल डेरी मिल्क चॉकलेट, पापा डेरी मिल्क चॉकलेट तू कौन है? तो गाइस ये वाली शॉप खुली होती है, अगर आप कपूरथला में रहते हो तो यहाँ आप आ सकते हो, ये वाली, ये 11 बजे तक खुली होती है। सामने से गाड़ी आ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ये देखो ये सारी मार्केट बंद है, बाकी सारी शॉप्स बंद होती है। तो गाइस कबीर की तो चलती थी मस्ती और वीडियो आपने देखी है, अभी मैंने शो कर दिया, तो अभी जब एडिटिंग करने बैठी तो कबीर मस्ती करने लगे, तो थोड़ी उसकी वीडियोस बना दी। और काफ़ी टाइम से एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक तो कबीर जैसे बड़ा हो गया और वो मुझे मतलब कि थोड़ा नौटंकी भी हो गया है और वो वीडियो शूट नहीं करने देता, मतलब खींचता है कैमरा, अब उसको चीज़ें दिखती हैं, थोड़ा उसको भी होता है कि मैं छेड़ू, जैसे शरारतें करने में उसका ध्यान हो गया, और कुछ इस वजह से भी नहीं मैं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि आयरा के एग्ज़ाम है, लास्ट टर्म है और उसको भी स्टडी करानी होती है, पढ़ाना होता है, क्योंकि एक्चुअली 10 दिन हम चले गए छुट्टियों पे, हॉलीडेज़ पे, तो उसकी 10 दिन की जो स्टडी है वो पीछे हो गई है, नहीं तो अब तक तो उसका सिलेबस जो है वो कम्प्लीट हो जाता, तो स्कूल की तरफ से कम्प्लीट हो गया, बट उसको घर में स्टडी करनी इसकी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान अभी आयरा की तरफ है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है 6 से, और मैं बार बार वीडियो में यही बता रही हूँ कि उसके एग्ज़ाम है इसलिए मैं शूट कम कर पाती हूँ, और कुछ कबीर नहीं करने देता, वो भी प्रॉब्लम आती है जितना, अगर मतलब चलो आयरा को पढ़ाने के बाद और मैं मतलब जितना शूट करने की कोशिश करती हूँ तो कबीर दंग आता है, इसलिए बहुत उछल पुछल हुई पड़ी है मेरी लाइफ में अभी इस टाइम, तो थोड़ा बिज़ी भी चल रही हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी हो सकता उतनी वीडियो बनाऊँ और व्लॉग्स बनाऊँ ताकि मैं एटलीस्ट आपके साथ टच में रह पाऊँ, तो बस यही कोशिश मेरी है। तो फिलहाल मैं करती हूँ इस वीडियो के एंड, और हार के हमें दूध मिल गया था, चाय बना ली है, तो अभी चाय भी पी ली है हम लोगों ने, तो बस मेरी एडिटिंग रह गई थी तो वो करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं इस करती हूँ वीडियो को एंड, आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।